नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम नज़र डालेंगे पीलीभीत जंक्शन से शाहजहाँपुर तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों में। पीलीभीत जंक्शन के आउटर से क्या प्रगति हुई है, कितना काम हुआ है, उसको हम देखेंगे इस वीडियो में। सामने जो ट्रैक आप देख रहे हैं, ब्रैकेट्स आपको दिख रहे होंगे OHE मास्ट के ऊपर, इधर ये शाहजहाँपुर की दिशा हो जाएगी और दाहिने हाथ पे जो ट्रैक जाएगा फिर इधर पीलीभीत जंक्शन की दिशा हो जाएगी इस साइड, जिधर से ये ट्रैक कर्व से आ रहा है। और सामने यहाँ पर जो ब्रैकेट्स और होल्डर्स लगाने का कार्य है वो हो गया है। पूर्व का जब हमने वीडियो किया था तो OHE मास्ट डाले जा चुके थे, उनको इरेक्ट कर लिया था, लेकिन अब जैसा आपने देखा कि बीसलपुर में भी OHE मास्ट डाले जा रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, भूपतपुर में क्रॉस बार्स लगने का काम और उसके आगे फाउंडेशन बनाने का काम अरेली हॉल्ट तक पहुंच गया है, तो काफ़ी अच्छी प्रगति हो रही है। और इधर ये अंडरपास है जो कि तीन दिशाओं में निकलता है और इसके ठीक ऊपर से ये शाहजहाँपुर वाली लाइन जाती है। जैसा आप जानते हैं पीलीभीत जंक्शन के आउटर से तीन तरफ ट्रैक कटते हैं। बाएँ हाथ पर लेफ्ट पर जो कर्व जाएगा वो टनकपुर की लाइन है जो ऑपरेशनल है, चालू है। सीधी जो लाइन जानी है वो हमारे माला होते हुए मैलानी जंक्शन जानी है, जिस पर अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। बहुत हल्की रफ्तार से NOCs मिल गई हैं लेकिन अभी पीलीभीत जंक्शन की साइड से शुरू नहीं हुआ है। और उसके बाद तीसरा ट्रैक दाहिने हाथ पे जो घूमता हुआ कर्व जाता है वो जाएगा शाहजहाँपुर की ओर, जो ट्रैक सामने आप देख रहे हैं यहाँ से। और अभी हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं ट्रैक के करीब से कि जो कार्य यहाँ पर हुए हैं उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। कैटनरी वायर लगाने का कार्य जो है वो शुरुआत हुई है और उसको भी हम आपको भी दिखाएंगे। असम हाईवे जो असम ब्रिज है वहाँ पर ऊपर से जा रहा है, सड़क जाती है पूरनपुर की दिशा में, वहाँ पर भी पहले हाइट का इशू हो रहा था लेकिन अब फिलहाल ऐसी कोई समस्या नहीं है। उसके नीचे से जो तार है वो निकाल लिया जाएगा लगता है बड़े आराम से। वहाँ पर भी OHE मास्ट सारे लग गए हैं उसके आगे तक, तो काफ़ी दूर तक ये जो कार्य हुआ है। हम जो एक आगे पुल पड़ता है संडा ब्रिज जिसको शायद कहते हैं, तो वहाँ तक का हम आपको नज़ारा दिखाएंगे। ये अब हम करीब से आ गए हैं ट्रैक पर, जो कर्व जा रहा है इधर पीलीभीत जंक्शन की तरफ और इधर चला जाएगा ये कर्व शाहजहाँपुर की तरफ, निगोही होते हुए बीसलपुर निगोही, उसके बाद शहबाज नगर और उसके बाद शाहजहाँपुर में अभी ये लाइन लिंक होनी बाकी है। जिधर टर्मिनेटेड प्लेटफॉर्म थे, छोटी लाइन हुआ करती थी, वहाँ तक ट्रैक कम्प्लीट हो गया है। शाहजहाँपुर में आउटर पे जहाँ पे ट्रैक्स ख़त्म होंगे, जिस साइड छोटी लाइन थी वहाँ पर होम सिग्नल्स वो लग गए हैं, जल रहे हैं, टेस्टिंग चालू है, उसका वीडियो हम कर चुके हैं, चैनल पर मौजूद है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से आप देखिए ये जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य हैं इसमें ब्रैकेट्स लगाने का कार्य जो है देखिए यहाँ पर पूरा हो गया है और बहुत जल्द कंप्लीट वायरिंग जिसको हम कहते हैं वो शुरू हो जाएगी होनी। अभी एक श्री गणेश हुआ है, थोड़ा सा वायर आगे लगाया गया है, वो हम आपको वीडियो में इसी वीडियो में उसकी झलक आगे दिखाएंगे। और उसके बाद ये लगभग 80 किलोमीटर का जो रेलखंड है सिंगल इलेक्ट्रिफाइड लाइन हो जाएगी। 30 सितंबर तक का लक्ष्य लेकर के ग्रीन पावर कंपनी चल रही है। ये अंडरपास के अब हम करीब आ गए, यहाँ पर असम हाईवे की तरफ धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, तो 30 सितंबर तक का टारगेट है। कुछ थोड़ा विलम्ब हुआ तो आप अक्टूबर का महीना मान लीजिए कि अक्टूबर के महीने तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य फाइनल हो जाएंगे। यहाँ पर ऊपर आपको जो सिंगल वायर एक दिख रहा है ये कैटनरी वायर है जिसको अभी लगाया गया है, जिसकी शुरुआत एक करी जाती है जब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों की, किसी नए रेलखंड पर तार लगाने का जब काम पहली बार होता है तो एक कैटनरी वायर खींच करके कार्य का श्री गणेश होता है और पूजा वगैरह बिल्कुल होती है जब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य शुरू करते हैं। तो वो हो गई होगी, उसका वीडियो हमारे पास नहीं है, एक छोटी सी पूजा करके फिर वो स्टार्ट किया जाता है कार्य को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पूरनपुर वाली रोड है जो पीलीभीत से पूरनपुर की दिशा में जाती है, असम हाईवे जिसको कहते हैं, उसके ठीक नीचे से यहाँ पर ये OHE मास्ट देखिए लगा लिए गए हैं, इरेक्ट कर लिए गए हैं। और यहाँ पर आपको तार दिखाई दे रहा होगा जा रहा है, देखिए उसको हुक कर लिया गया है, फंसा दिया गया है। ये नीचे अंडरपास है जिसके ठीक ऊपर से ट्रैक गुजरेगा, तो यहाँ से जो ये सिंगल वायर आपको दिखाई दे रहा है फिलहाल ब्रैकेट्स पे लटकाया हुआ, ये कैटनरी वायर है जो लगा दिया गया है। और इसके बाद लोगों के साथ वैगन के ऊपर रोल्स रखे जाते हैं कॉपर के, उसके पीछे एक कोच चलता है स्टाफ का जिसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म होता है जिसकी मदद से ऊपर स्टाफ चढ़ जाता है। जो भी कार्यदायी संस्था है, यहाँ पर ग्रीन पावर कंपनी काम करा रही है जिसने पीलीभीत जंक्शन से टनकपुर के बीच रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों को किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत साफ स्पष्ट आपको ये तार देखिए सिंगल वायर
नज़र आ रहा होगा। तो कैटनरी वायर लगा करके एक शुरुआत हो गई है और इसके बाद डबल वायर यहाँ पर जो होता है जैसा चलता है आपको डाला जाएगा। एक वायर जो सपोर्ट करता है नीचे मेन वायर को, कॉन्टैक्ट वायर और ड्रॉपर्स डाले जाते हैं, वो सारे जो काम है अब मुख्य जो तार लगाने का काम है वो होगा। यहाँ पर फिलहाल ब्रिज के पास जो है देखिए एक नाली भी बनाई जा रही है पानी की निकासी के लिए, शायद मजदूर लगे हैं, कुछ लेबर यहाँ पर लगी हुई है और जूम करके हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल कार्य चल रहा है और मुझे लगता है दोनों ही तरफ थोड़ा सा सीमेंटेड एक पानी की निकासी के लिए, आउटफ्लो के लिए ये कुछ बनाया जा रहा है ताकि जो ट्रैक की मिट्टी है वहाँ पर गिट्टी है तो वो कटान ना हो, एक एडिशनल सेफ्टी के लिए दोनों ही तरफ मिट्टी ना खिसके जो पिलर्स आ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी होल्डर लग गया है असम हाईवे के, अब हम आगे आ गए हैं इधर धीरे धीरे जो ऊपर से ब्रिज जा रहा है। देखिए हम ब्रिज के नीचे से भी आपको करीब से दिखाने की कोशिश करते हैं दूसरे एंगल से। यहाँ पर वर्कर्स बैठे हुए हैं और ये कार्य चल रहा है। यहाँ पर देखिए साइड में नाली बनाने का कार्य जो है यहाँ पर देखिए ये पक्का किया जा रहा है देखिए, और मुझे लगता है इसी से पानी की निकासी का यहाँ पर कार्य होगा। तो वर्कर्स थोड़े यहाँ पर लगे हुए हैं पुल के नीचे कार्य कर रहे हैं, दोनों ही तरफ देखिए बनाई जा रही है यहाँ पर ड्रेनेज, थोड़ा सा मुझे लगता है बनाया जा रहा है जिससे कि भविष्य में जल भराव से कोई समस्या पैदा ना हो, कटाव ना हो। यहाँ से अब हम आगे चलेंगे धीमे धीमे देखिए शाहजहाँपुर की दिशा में। तो यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स लग गए हैं, सारे मास्ट हमारे 90 डिग्री पर इरेक्ट हैं भूपतपुर की दिशा में, शाहजहाँपुर की दिशा में। अब हम आगे चलेंगे आपको दिखाते हैं हाल क्या है, ताज़ा सूरत हाल आपको। और सितंबर के महीने तक आप मान के चलिए 30 सितंबर तक आपको ये रूट भी इलेक्ट्रिफाइड रूट में बिल्कुल नज़र आएगा तैयार, कंपनी की पूरी कोशिश है। और अगर थोड़ा बहुत विलंब हुआ तो अक्टूबर डेडलाइन सितंबर की लेके चल रहे हैं। जैसे पैकेज तीन में मैलानी से शाहगढ़ में आप देखिए ट्रैक वर्क पूरा मई में कंप्लीट हो गया और 30 जून तक पहले डेडलाइन लेकर के चल रहे थे कि कार्य पूरे हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पर भी कोविड में जो टेक्निकल हमारे स्टाफ है तमाम सारे जो वर्कर्स हैं देखिए वो बीमार पड़ गए कोरोना में, काफ़ी लोग इस बार बीमार रहे, बहुत सारी डेथ्स भी हुई, अनफॉर्चुनेट है काफ़ी, देश के लिए भी बहुत नुकसान आर्थिक रूप से, रेलवे को भी उसमें नुकसान हो रहा है, यात्री गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, पैसेंजर्स को भी। तो उसके चलते थोड़ा सा जो है देखिए शेड्यूल वो लेट हो गया है, वहाँ पर भी कोशिश हो रही है RVNL की वहाँ पर भी सेक्शन को जल्द से जल्द तैयार करके हैंडओवर करने की। मेन जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं सब तैयार है, बस टेलीकम्युनिकेशन और जो सिग्नल का कार्य है और थोड़ा बहुत लेवल क्रॉसिंग का जो लेवल करने का यहाँ पर ट्रैक आता है रोड से मिलता हुआ वो बचा है, बस वो काम हो रहा है। और वो भी मुझे उम्मीद है कि जून में काफ़ी वर्कर्स बढ़ा करके, क्योंकि अब केसेस नहीं आ रहे तो सितंबर तक वो सोच रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि जुलाई तक कर ले जाना चाहिए। और यहाँ पर भी आप देखिए किस प्रकार से ब्रिज के पास अब हम पहुँच गए धीमे धीमे, पीलीभीत जंक्शन से शाहजहाँपुर का जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य, मुझे लगता है ये अच्छी रफ्तार से चलेगा क्योंकि अब हालात सामान्य हो रहे हैं धीरे धीरे, दवा से लोग ठीक हो रहे हैं और भगवान करे सब सकुशल रहें, सही सलामत रहें। और अब दोबारा से इस तरह की कोई जैसे तीसरी लहर की बात हो रही कोरोना की, भगवान न करे कोई लहर अब आए, बहुत एकदम ऊब गए हम लोग भी घर में बैठे बैठे। तो उम्मीद है कि अब सब कुछ सामान्य रहेगा, हालात रेलगाड़ियाँ वापस पटरी पर लौटे, ज़िंदगी सामान्य हो जल्दी से। और ये जो ब्रिज है इसके ऊपर वायरिंग वैसे ही होगी जैसे पूर्व में हमने आपको बताया, एक तार ब्रिज के ऊपर से जाएगा, कैटनरी वायर जो होल्ड करेगा, मेन कॉन्टैक्ट वायर नीचे से चलेगा। तो ये ब्रिज पे अब हम आ गए हैं, यहाँ पर फिलहाल अभी देखिए यहाँ पर कोई वायर अभी नहीं लगा दिख रहा है आपको, और पीछे की साइड ही अभी कैटनरी वायर लगा करके एक श्री गणेश कर लिया गया है और जल्दी ही वायरिंग शुरू होने की उम्मीद है। और मुझे लगता है जब भूपतपुर में क्रॉसबार होल्डर्स का काम पूरा हो जाएगा और बीसलपुर में जैसा चल रहा है तो शायद उसके साथ ही फिर एकदम वायरिंग शुरू करें, क्योंकि वायरिंग का काम जल्दी होता है, उसमें ज़्यादा विलंब नहीं लगता है, तार जल्दी जल्दी खींच देते हैं, एक एक दिन में 10-10 किलोमीटर तार खींच लेते हैं ये लोग आराम से नॉर्मल हालात में। तो वायरिंग करते हुए फिर कोशिश होगी पहले बीसलपुर तक कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद फिर आगे। अब देखना होगा कि क्या CRS किस तरह से करते हैं, शायद सितंबर तक पूरा सेक्शन पूरा जब ये हो जाएगा उसके बाद ही पूरे सेक्शन का ही शायद CRS इंस्पेक्शन हो, जैसे टनकपुर के उसमें हुआ रेलखंड में, क्योंकि थोड़ा सा मालगाड़ियों वाला मसला रहता है गुड्स ट्रेन का, तो उसके लिए अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फ़िलहाल लोको ट्रायल और CRS में टाइम है, अभी सेक्शन कंप्लीट होने में सितंबर आ जाएगा। तो यहाँ से आप मान के चलिए
कि जुलाई तक फाउंडेशंस का काम शाहजहांपुर तक तैयार हो जाएगा और उसके बाद फिर वायरिंग का काम रफ्तार में किया जाएगा।